हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक 4 BHK का डुप्लेक्स शूट करने वाले हैं। और इस डुप्लेक्स में आप देख सकते हैं, ये ज़मीन है टोटल। ये टोटल 400 स्क्वायर मीटर की ज़मीन है जिसमें ये बना हुआ है। सामने हमने लॉन भी दिया है, नॉर्थ फेसिंग साइट है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका एलिवेशन हमने बनाया, ऊपर एक टेरेस बनाया है। स्लोप था ये टेरेस, टेरेन नेचुरली स्लोप था, तो हमने इसका नीचे ही जो सेकेंड हाफ है उसी में इसका हमने कार पार्किंग कर दिया, एक सर्वेंट क्वार्टर बना दिया है। और यहाँ से भी ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बना दी हैं। गेस्ट के लिए ये एंट्री है, ये पीछे का बैक डोर एंट्री घर वाले कर सकते हैं। गेस्ट के लिए ये एंट्री है और इस एंट्री के बारे में है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं इसका पहले प्लान, फिर पूरा। चलिए, हम इसके एलिवेशन तो मैंने हमने देख लिया। अब इसका फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं। तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे क्या दिख रहा है, ये टोटल जो प्रॉपर्टी है ये नॉर्थ फेसिंग है जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये टोटल ग्राउंड 400 स्क्वायर मीटर का है, ये टोटल कम्प्लीटली 400 स्क्वायर मीटर का है। और जहाँ पे हमने 215 स्क्वायर मीटर पे ये बिल्टअप किया है, हमने यहाँ पे नॉर्थ पे, नॉर्थ से एंट्री है। यहाँ पे इसको देखिएगा, मेन गेट प्रोवाइड किया है। यहाँ पे एक छोटा दो गेट हैं और जैसे आपने एलिवेशन में देखा था ऑलरेडी। और ये गेट से ये एंट्री करते हैं और कुछ सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़कर ये सीधा इस डेक पे आ जाते हैं। ये लैंडिंग डेक है घर का और यहाँ से वो लेफ्ट टर्न करके घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट का एंट्री दिया है हमने ताकि वो वास्तु के हिसाब से सही हो जाए। और ये नॉर्थ ईस्ट से वो घर के अंदर एंटर होता है जिसमें मेन हॉल का प्रोविजन है। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आप, 4.8 मीटर × 10 मीटर का है। यहाँ पे ये डबल हाइट है। मैं जब 3D दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा। ये टोटल जो है हॉल डबल हाइट का है। यहाँ पे स्लैब, फर्स्ट फ्लोर में स्लैब नहीं है, मतलब फर्स्ट फ्लोर से आप यहाँ नीचे झांक सकते हैं। ये टावर वाली वॉल्स हैं जिसमें डेकोरेटिव लगा सकते हैं। और ये इसका सिटिंग हो गया और सामने इसका TV यूनिट हो गया। और यहाँ पे हमने 2 खिड़कियाँ प्रोवाइड की है, एक 3 स्लाइडर का 1.8 मीटर का बड़ा खिड़की है और दूसरा है 2 स्लाइडर की छोटी खिड़की, ताकि आप ये पिलर्स के बीच में TV यूनिट को अकोमोडेट कर पाए। सोफा हमने एक अरेंजमेंट करके यहाँ दिखाया है, फर्नीचर बेसिक लेआउट करके दिखाया है। अगर आप चाहते हैं कि यू कैन पुट अ बिग एल सोफा ऑल्सो, यहाँ पे 2 पफ लगा सकते हैं। ये फर्नीचर अरेंजमेंट्स बहुत कुछ हो सकता है ऑप्शन। यहाँ पे एक छोटा सा फर्नीचर आ जाएगा, सोफा आ जाएगा फॉर योर सेकेंड सिटिंग। अगर जैसे किसी के दो, यहाँ पे अगर किसी घर के एक मेंबर का कोई फ्रेंड सर्कल बैठा हुआ है, अचानक बाहर से कोई आ जाता है, यू कैन नॉट वेट देम, और यहाँ बैठना कंफर्टेबल नहीं लगेगा, यू कैन मेक अरेंजमेंट हियर ऑल्सो। उसके बाद हम, ये एक्चुअली मल्टी लेवल का फ्लोर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लेवल है -400 हमने दिया है, जो एक्चुअल फ्लोर का लेवल है उससे 400 mm यानी कि 40 सेंटीमीटर्स डाउन है ये। यहाँ पे जो मेन फ्लोर है वहाँ से हमने 3 सीढ़ियाँ दी हैं ताकि आप डाइनिंग वाले और बाकी घर के फ्लोर पे आ सकें। यहाँ पे दोस्तों देखिए, डाइनिंग का जो फ्लोर हमने प्रोवाइड किया है वो लगभग 5.7 × 4.1 है। 4.1 इसका विड्थ है और 5.7 इस पाउडर रूम तक का स्पेस है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डाइनिंग का एक स्पेस प्रोवाइड किया है जस्ट किचन के एग्जैक्टली फ्रंट में। और किचन आपका जो प्रोवाइडेड है 5.85 × 4 मीटर्स का किचन है, काफ़ी बड़ा किचन है दोस्तों। और किचन के पीछे एक यूटिलिटी एरिया भी है। यहाँ पे 2 प्रोविजन है, एक विंडो है और एक डोर है। ये पूरा ग्लास का पार्टीशन है जिससे फुल डे लाइट आपके अंदर आ जाएगी। और किचन, एक आइलैंड किचन हमने प्रोवाइड किया है यहाँ पे। और यहाँ पे बार स्टूल्स भी प्रोवाइड किए, एक ब्रेकफास्ट काउंटर भी है जो आपको बाद में 3D में हम दिखाएंगे इसी फ्लोर का। और यहाँ पे अगर आप जाएंगे, यहाँ पे हमने एक बेडरूम प्रोवाइड किया है, एक मास्टर बेडरूम प्रोवाइड किया है। ये साउथ वेस्ट है घर का, तो मास्टर बेडरूम के लिए एग्जैक्टली सही जगह है। और यहाँ पे एक पाउडर रूम है जिसे कॉमन टॉयलेट भी कहते हैं, और यहाँ पे मास्टर बेडरूम का टॉयलेट है। और मास्टर बेडरूम में हमने साउथ में एक बैल्कनी प्रोवाइड की है, क्योंकि वास्तु में साउथ वेस्ट ओपन नहीं होना है, तो इतने इस एक्सट्रीम साउथ वेस्ट एरिया को हमने कवर कर लिया है। कवर इन द सेंस, इसको ब्लॉक कर दिया है
ताकि रेन यहाँ पे इफेक्ट ना करे। और बाकी हमने रेलिंग प्रोवाइड की है डे लाइट रोशनी के लिए। यहाँ भी हमने सेम पैटर्न यूज किया है। इस घर में हमने एक चीज का पैटर्न यूज किया है, ज्यादा ग्लासेस वाले बड़े खिड़कियां हमने फ्रेंच विंडोज यूज किए हैं, बड़े स्लाइडर्स यूज किए हैं जैसे डाइनिंग में देख सकते हैं आप। और ये सारी चीजें मैं अभी आपको 3D में दिखा दूंगा इस पर्टिकुलर फ्लोर का। और यहाँ से स्टेयरकेस है जो हम अपने इंट्रोडक्शन में हमने दिखाया था कि बेसमेंट से जो ओनर खुद आ सकता है। यहाँ पे एक डोर का प्रोविजन रहेगा, यहाँ बेल रहेगा और एक वॉच रहेगा, CCTV कैमरा सारी चीजें प्रोवाइडेड रहेंगी। अगर बेल बजता है तो घर का कोई भी मेंबर यहाँ आके देख सकता है कि घर का कोई मेंबर है तो ये डोर खोल के उसको एंट्री दे सकता है। मेड यहाँ से आएगी क्योंकि उसका नीचे सर्वेंट क्वार्टर है और इसके लिए ये जगह बहुत अप्रोप्रिएट। यहाँ भी हमने एक रेलिंग का इस्तेमाल किया। चलिए हम अभी आप इसके बारे में, ये प्लान तो आप समझ चुके हैं, अब इसका हम 3D आपको दिखाते हैं। जिस फ्लोर का हमने अभी प्लान देखा था वो उसी फ्लोर का स्लाइस्ड कट थ्रू सेक्शन है, जहाँ पे ये मेन एंट्री हो गया, ये हॉल हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमने बताया था कि दो स्टेप के बाद, जस्ट दो स्टेप पर चढ़ने के बाद ये पूरा डाइनिंग एरिया आ जाएगा। आप कोरिलेट कर सकते हैं, हमारे इमेजेस जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ पे भी आप निकाल के देख सकते हैं। ये डाइनिंग वाला स्पेस था और उसके बाद हमने जैसे बताया था आपको ये किचन वाला स्पेस आ गया, किचन के बाद में ये आप उसका मास्टर बेडरूम का वार्डरोब हो गया, ये कॉमन वाला पाउडर रूम हो गया। और अगर मैं एलिवेशन से दिखाऊँ आपको, ये हो गया है दोस्तों इसका मेन स्टेयरकेस जो पूरी बिल्डिंग को कनेक्ट करता है फ्रॉम बेसमेंट टू द टॉप फ्लोर टेरेस। और यहाँ बहुत ही खूबसूरत टेरेस है, ज़रूर आगे देखिएगा, बहुत अमेजिंग चीज़ें हमने टेरेस में जोड़ी है। और यहाँ आप देख सकते हैं इस मास्टर बेडरूम का वार्डरोब सेक्शन और उसके बाद में यहाँ पे इसका वॉशरूम। और जैसे हमने बताया कि साउथ वेस्ट को हमने ब्लॉक किया हुआ है एज पर वास्तु, वो ओपन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे इसका वॉशरूम और बालकनी। तो दोस्तों ये 3D आपको देखा, आपने देख लिया है। और एक चीज़ है, जैसे किचन का मैंने बता रहा था पीछे एक बालकनी है, और ये आप ध्यान रखिएगा हमने कैसी खिड़कियों का पूरा प्रयोग किया है यहाँ पे। और सारी खिड़कियाँ एकदम खुली हुई हैं, पूरा हवादार है। और यहाँ अगर आप बैठते हैं तो बैठकर ये पूरा रोशनी वाला मतलब किचन होने वाला है। यू गोइंग टू एंजॉय, जो यूज़र है मेरा वो बहुत एंजॉय करेगा इस घर को, क्योंकि उसको जैसे चाहिए था, फुल ओपन अगल बगल गार्डन है उसके, और उसको काफ़ी मज़ा आएगा इसमें। और आप देख सकते हैं यूटिलिटी रूम में हमने एक यूटेंसिल्स वॉशिंग यूनिट और एक वॉशिंग मशीन भी यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे भी हमने खिड़कियाँ प्रोवाइड की है ताकि वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा रहे। पानी ड्रेनेज के लिए सारी प्रोविजंस हमने यहाँ प्रोवाइड की है, जो इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग ड्राइंग में सारी डिटेल है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे सामने जहाँ पे एंट्री गेट था, जहाँ से ये मेन एंट्रेंस है इसका, यहाँ से इसमें देखिए ये 7 सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियाँ चढ़ के एक छोटा सा बॉक्स हमने बनाया है प्लांटेशन के लिए। और सेम यहीं पे जहाँ पे इसका डोर है, इसके सामने भी एक प्लांटेशन के लिए स्पेस प्रोवाइड किया है। तो ये हैंगिंग बालकनी जैसा है जहाँ पे ये स्पेस प्रोवाइडेड है। और एक मिनट, हाँ ये जो स्पेस प्रोवाइडेड है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पेड़ के लिए जगह है और ये जस्ट डोर ओपन होते ही इसके सामने ही है। तो ये बड़ा अमेजिंग सा फील देता है, हैंगिंग है, आप जब यहाँ खड़े हैं तो ये पेड़ का फील जो है आपको सीधा घर के सामने मिलेगा। और बाकी चीज़ें हैं, चलिए हम चलते हैं इसके सेकेंड फ्लोर पर। फ्रेंड्स अब फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर देखिएगा ये जो सीढ़ियाँ हैं, यू कैन रिलेट दिस सीढ़ियाँ, ये नीचे ग्राउंड फ्लोर से आई हैं, यहाँ पे एंट्री होता है फर्स्ट फ्लोर का। अब फर्स्ट फ्लोर में राइट साइड में इसका मास्टर बेडरूम है साउथ वेस्ट, ये काफ़ी बड़ा मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे एक वाटर क्लोसेट और वॉक इन वार्डरोब, ये सारी फीचर्स दिए हुए हैं हमने। यहाँ पे एक इंस्टेड ऑफ स्टोर मेसनरी स्ट्रेट करने का हमने एक बॉक्स बना लिया है, जिसमें इस खंबे के फ्लश में इसका एक वार्डरोब आ गया, अपोजिट साइड में भी वार्डरोब आ गया है। तो ये मिरर वॉल हो जाएगा इसमें ड्रेसिंग करने के लिए, सीधा स्लाइड करके एक EWC और वॉश बेसिन का प्रोविजन यहाँ पे है। EWC नॉर्थ फेसिंग जैसे होना चाहिए हमने कर दिया है, और पीछे एक शावर का प्रोविजन है। यहाँ पे सारे डायमेंशंस हमने मेंशन किए हुए हैं, ये शावर है विड्थ 1 मीटर और 2.3 मीटर का।
और यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो देखिए एक सेटिंग लॉन्ज अलग बनाया हमने 5.5 मीटर इंटू 2.7 का वेट था, 5.1 काफी अच्छा है। एक नॉर्मल डुप्लेक्सेस जो पिछले मेरे वीडियो में हमने जो 2BHK का फ्लैट देखा था वहाँ उनका हॉल इतना बड़ा था लगभग, तो ये काफी बड़ा एक लॉन्ज है हमने जो यहाँ पे प्रोवाइड किया है। और दूसरा बेडरूम हमने देखिए क्या लाजवाब साइज की दी है, बेडरूम है इसमें काफी स्पेस है, यहाँ पे आप एक स्टडी टेबल लगा सकते हैं, एक रेडेंजा लगा सकते हैं, एक सोफा लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने देखिए फुल विड्थ का एक ओपनिंग दिया है जिसमें ग्लास पार्टीशंस है, डोर है, और सेम जैसे नीचे हमने बेसमेंट पे ग्राउंड फ्लोर पे किया था कि साउथ वेस्ट को ब्लॉक करते हुए बैल्कनी बनाई है, क्योंकि वास्तु कहता है कि साउथ वेस्ट एक्सट्रीम आपका ओपन ना हो तो बेटर है। तो ये रहा आपका मास्टर बेडरूम जो सीढ़ी चढ़ते ही राइट में है। अब लेफ्ट में उनके बेटे का रूम है जो जाते ही जैसे जब हम रूम में दाखिल होते हैं रूम के राइट वॉल में जो है हमने वाटर ये वार्डरोब्स लगा दिए हैं, और उसका बेड जो है हमने साउथ फेसिंग रखा है जो बेस्ट माना जाता है वास्तु में, साउथ फेसिंग रखा है इसके। और यहाँ फ्रंट में जो रोड है इसका सामने आप रोड है, आपको याद होगा अगर हम लोग स्क्रॉल करके देखें तो ये फ्रंट साइड इसका नॉर्थ में रोड है, और जहाँ पे एंट्री गेट है उसी जगह पे हमने एक बैल्कनी प्रोवाइड किया, और ये बहुत ही अमेजिंग बैल्कनी है। फ्रंट लुक से जब हम देखें, जब इसका 3D देखेंगे तो ये एक डबल हाइटेड स्लैब है, और यहाँ पे स्लैब जस्ट इसके ऊपर नहीं बल्कि 2 फ्लोर ऊपर है, 6 मीटर ऊपर है, और यहाँ पे हमने बड़ा सा स्लाइडर दिया है। अगेन यहाँ पे ग्लास पार्टीशन है जिससे रोशनी खूब इस रूम पे आने वाली है, और ये भी काफ़ी एंजॉयबल रूम है। यहाँ पे हमने एंट्री पे ही लेफ्ट साइड में इसका WC दिया है, वॉश बेसिन दिया है, और एक शावर एरिया को ग्लास पार्टीशन से हमने अलग कर दिया है। तो वार्डरोब सेक्शन, बाथरूम और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह सेपरेटेड है। यहाँ पे एक स्टडी टेबल लगा सकते हैं इस जोन पे, हमने इस जोन को खाली रखा है। अभी बेडरूम का साइज भी काफ़ी अच्छा है 5.57 x 5.4, और ये इसका बेडरूम नंबर 2 है इस फ्लोर का। तो यहाँ बढ़ते हैं आगे, ये एक छोटा सा लॉन्ज है जहाँ पे कनेक्टिंग एरिया मान सकते हैं। ये ओपन कटआउट है जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ एक ओपन कटआउट में मैंने एक 600 का एक बैल्कनी, एक छोटा सा स्लैब एक्सटेंशन किया है यहाँ को, हमने MSK एक रेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और जब सीढ़ी से आए तो अगर डोरबेल बजे तो ऊपर घर पे कोई है तो ही कैन स्टैंड ओवर हियर एंड सी, और उसको पूरा यहाँ पे इस फ्रंट बालकनी का और ये सब चीज़ों का फील आएगा। ये काफ़ी मज़ेदार सा जगह है, और ये एलिवेशन में भी जब अंदर आता है कोई एंट्री यहाँ मेन रोड से करता है तो उसे भी काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे भी मैंने एक छोटा सोफ़ा रखा है, एक काउच रखा है जो रेस्ट कर सकता है, कोई बैठ सकता है यहाँ पे, अगर कोई बातें कर रहा है तो वो अपना शू चेंज करना या कुछ भी यूज़ कर सकता है। यहाँ पे हमने 2 चेयर्स और एक छोटा टी टेबल भी प्रोवाइड किया है जिसमें अगर आप चाय पीना चाहते हैं कॉमनली यहाँ पे अंदर पे, और या तो आप बाहर जाके यहाँ, ये घर का मेरा सबसे फेवरेट इलाका है। जो फर्स्ट फ्लोर पे हमने 3 मीटर का कैंटिलीवर प्रोवाइड किया, जी हाँ दोस्तों 3 मीटर का अमेजिंग कैंटिलीवर प्रोवाइड किया है, और ये इस कैंटिलीवर पे जाने का ये एक पोर्टिको है, जाते ही इतना बड़ा एक ओपनिंग मिल जाता है 5 मीटर x 2.8 का, काफ़ी बड़ा स्पेस है। यहाँ पे एक आप और भी फर्नीचर्स लगा सकते हैं, हमने तो 2 चेयर्स और एक टी टेबल प्रोवाइड किया है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जस्ट किचन के अबव में एक और गेस्ट बेडरूम है जो यहाँ पे जिसका साइज हमने प्रोवाइड किया है 3.5 x 4.1। इस गेस्ट बेडरूम में भी एक वॉशरूम का प्रोविजन है, टॉयलेट है और वॉश बेसिन है, शावर एरिया है, और यहाँ पे भी इसमें भी एक बैल्कनी हमने प्रोवाइड की है। इसमें भी वैसे ही सारे घर की तरह बड़े विंडोज हैं, 3 स्लाइडर्स के विंडोज हैं, और ये पूरा इसका प्लान है। तो चलिए हम देखते हैं इसका 3D स्लाइस व्यू। ये देखिए सर, ये दोस्तों ये है हमारा 3D व्यू जो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है मुझे तो, और डेफिनेटली हमने बनाया तो हमें अमेजिंग लग ही रहा है, हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत की है इस पर। और देखिएगा ये स्टेयरकेस से शुरू करते हैं, इस स्टेयरकेस ग्राउंड फ्लोर से आया, मैंने जैसे आपको बताया कि आते ही राइट में जो इसका मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम देखिए काफ़ी बड़ा स्पेस ले रहा है इस फ्लोर में। ये देखिए ये टोटल स्पेस एक पूरा रेक्टेंगल है मास्टर बेडरूम का। यहाँ पे ये एंट्री है, ये सोफ़ा लॉन्ज है,
उसके बाद यहाँ से जाएगा, उसके बाद इसका बेड का एरिया आ रहा है, फिर यहाँ से एक डोर मैंने प्रोवाइड किया है जहाँ पे उसका वार्डरोब सेक्शन है और स्लाइड करके वॉशरूम वाटर क्लोसेट का एरिया है, शावर इंक्लूडेड। और सेम वैसे ही साउथ वेस्ट में जैसे नीचे था, अगर आप देख सकते हैं नीचे के जैसे ही बैल्कनी मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट सॉरी फुल कवर करते हुए बैल्कनी बनाई और जिसमें विंडोज देखिए बड़ी खूबसूरत विंडोज हैं, फुल साइजेस विंडोज हैं पूरी रोशनी के लिए, एंड दीज आर द स्लाइडिंग विंडोज ऑल्सो। और ये सारी जगह ये पूरा घर का खूबसूरती है स्लाइडिंग विंडोज। आप यहाँ देख सकते हैं हमने एक ट्रांसलूसेंट ग्लास भी यूज़ किया है, जब ये सोफे में बैठेगा तो वो हल्का सा एक झलक दिखेगा अंदर का। तो क्योंकि ये प्राइवेट सेटिंग है देर इज़ नो इशू प्रोवाइडिंग अ स्मॉल ग्लास ओवर हियर। और वैसे ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम आपको वॉक थ्रू पे ले जाए अंदर, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये देखिए ये यहाँ पे जो हमने बेडरूम की बात की थी जो इसके लेफ्ट में था उनके बेटे का बेडरूम, जब ये बेडरूम में एंट्री होता है तो यहाँ पे इसका टॉयलेट हो गया, वार्डरोब्स दोनों तरफ हो गए और ये हो गया इसका बेड और बड़े स्लाइडर्स हैं और ये हो गया उनका बड़ा ग्लास विंडो। अगर बेड के ऊपर वो बैठेगा तो उसे ये व्यू दिखने वाला है, सामने उसका लॉन है अगर आप देखें तो, ये सामने उसका खूबसूरत सा लॉन है और यहाँ बैठ के जब वो शाम को चाय पीगा तो उसे तो मज़ा ही आने वाला है। और चलिए दोस्तों इस पे अगले रूम पे जाते हैं, थोड़ा हम अपना आपको सुपरमैन बना लेते हैं। यस, और यहाँ पे देखिएगा वो जो मैंने बताया था आपको एक बैल्कनी जैसा है जो ये पूरे डबल स्ट्रक्चर को पूरा व्यू देती है, बहुत ही प्यारा व्यू है, अमेजिंग व्यू है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एक सोफ़ा मैंने लगाया है उस वॉकिंग इस लॉन्च पे, इस पूरे लॉन्च पे, और यहाँ पे दो और चेयर्स लगाए हैं। और ये रहा आपका गेस्ट रूम, गेस्ट रूम को भी अगर हम लोग सुपर एलिवेटेड व्यू से देखें तो ये रहा गेस्ट रूम। गेस्ट रूम में भी देख सकते हैं कि ये बेड लगा हुआ है, उसके बगल में आप देख सकते हैं बेड लगा हुआ है और ये वार्डरोब हो गया। यहाँ पे ग्लास, इस बगल में बहुत बड़ा स्लाइडर है, ये डोर ओपन करके सामने बैल्कनी, ये इसका वॉशरूम और ये बाहर जाने। और जैसे मैंने कि बताया था दोस्तों एक बहुत ही मेरा जो खूबसूरत है, ये डोर ओपन करके आप इस बैल्कनी में आ सकते हैं और पूरा लॉन का व्यू है और घर का सबसे खूबसूरत पार्ट है। अगर आप बाहर से आके देखें तो ये बैल्कनी में सिट करने का मज़ा ही अलग है। मैंने तो इसको स्लाइस कर दिया, मैं अभी आपको इसका एक फुल वर्जन दिखाता हूँ, आप जस्ट होल्ड करिएगा। ये देखिएगा इसका स्लाइस्ड वर्जन, यहाँ से स्लाइस मैंने हटा दिया है, ये ऊपर टेरेस है और देखिए ये बैल्कनी कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये जस्ट आपके एंट्री के ऊपर की बैल्कनी है, अमेजिंग फील दे रहा है मेरे। जब मैंने इसका प्रेजेंटेशन अपने क्लाइंट को दिया था तो उनकी वाइफ के मतलब वाइफ ने का एक्सप्रेशन था वाओ ये कितना खूबसूरत है, ये हाउ अमेजिंग इट इज़ गोइंग टू लुक। और ये वैसा ही है जैसे हमने आपको 2D में दिखाया। और यहाँ से अगर हम लोग उसके टेरेस पे जाए, टेरेस हम यहीं से आपको दिखा देते हैं, तो ये टेरेस में देखिए दो ऑप्शन मैंने प्रोवाइड किया, एक है क्लोज्ड जब सीढ़ियाँ चढ़े तो यहाँ से डोर आ जाएगा, और इसका स्लाइस हम आपको दिखाते हैं एक मिनट। अब ये देखिए टेरेस का मैंने स्लाइस व्यू बना दिया है और यहाँ से नीचे देखिए सेकेंड फ्लोर से हम लोग टेरेस पे आ गए। यहाँ पे टेरेस पे देखिए हमने तीन डोर प्रोवाइड किए, एक मेन डोर है, ये कॉमन एरिया है, यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं बहुत सारा सामान। और यहाँ पे देखिए पूरे टेरेस को अगर आप फ्रंट से अगर इसको रिलेट करें, देखिए ये फ्रंट है इसका और यहाँ पूरे टेरेस को मैंने फ्रंट एंड बैक दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया है, दो पोर्शन में इसको डिवाइड कर दिया है। हाँ, यहाँ देख सकते हैं कि एक टेरेस में आ गए, एक फ्रंट में एक बैल्कनी हमने दी, एक टेरेस दिया है, इसमें कवर टेरेस भी है ये वाला पोर्शन, ये ओपन टू स्काई टेरेस है। और सेम हमने बैक में एक टेरेस दिया है जो बैक यार्ड में है इसका। और एक बहुत बड़ा रूम प्रोवाइड किया है यहाँ पे जो ऑलमोस्ट मास्टर बेडरूम जितना बड़ा है, ये एक्चुअली हमने एक मल्टीपर्पज हॉल प्रोवाइड किया है, वो चाहते थे कि बाकी बाद में कुछ ना कुछ इसमें काम यूज कर सकते। तो ये अब हम ये देख सकते हैं, तो चलिए इसको एक बार फुल ऑन 3D में देखते हैं इन चीज़ों को और हम लोग समझते हैं क्या कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों अब इसका बिना स्लाइस किया हुआ ये बैक हो गया, ये फ्रंट वाला साइड हो गया, जिसमें हमने बताया था कि आपको कवर्ड वाला हिस्सा भी हमने बनाया है। और यहाँ पे
बॉक्स है ये सीढ़ी को जो कवर करता हुआ, और ये बैक साइड है जिसमें एक वॉशिंग और कुकिंग के लिए थोड़ा स्पेस है, पार्टी वगैरह होनी है तो ये कर सकते हैं। और यहाँ अगर हम लोग एलिवेशन देखें, अभी आप देखिए इसका एलिवेशन, तो जैसे कि मैंने बताया था कि उसके बेटे का जो रूम था, मेरे क्लाइंट के बेटे का रूम था, उस रूम के इस बालकनी के देखिए डबल हाइटेड फ्लोर है। और सेम जो है यहाँ पे हमने एक दो सेवन्स का इस्तेमाल किया है, फिगर्स देखिएगा जो एलिवेशन को थोड़ा एनहेंस करे। नीचे में हमने पूरा वुडन सीलिंग का इस्तेमाल किया, सेम वुडन क्लैडिंग हमने वॉल के लिए भी प्रोविजन दिया है, और सारे स्पॉटलाइट्स प्रोविजन दिए जो रात में जगेगा जलेगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा। और यहाँ पे अगर हम साइड में इसको देखें तो वो अमेजिंग बालकनी है जहाँ पे सिटिंग है, आप टी के लिए या कोई भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे किचन वाला फ्लोर है, किचन में जैसा कि हमने दिखाया था जो बालकनी जो रेस्ट रूम के साथ में सॉरी यूटिलिटी रूम के साथ में अटैच्ड है, ये किचन के ऊपर वाला गेस्ट रूम हो गया। और ये मैं क्रोनोलॉजी दिखा रहा हूँ पहले क्या नीचे उसके ऊपर, और ये है आपका साउथ वेस्ट का जोन जहाँ पे आपका दोनों मास्टर बेडरूम के बैल्कनीज हैं। अच्छा एक चीज़ और दिखाता हूँ जो फ्रंट में अगर हम लोग चलें, सॉरी ये ब्लैकआउट हो गया, अगर हम लोग फ्रंट में चलें ये देखिए मैं आपको एक छोटा सा वॉक थ्रू करके दिखाता हूँ। जो अगर हम फ्रंट पे चले यहाँ से तो जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा, क्योंकि वो हॉल रूम के लिए ना एक छोटा स्टेयरकेस देके हमने प्लांट्स किया है, ये और भी ग्रीनरी कर सकते हैं, ये मैंने इसीलिए प्रोवाइड किया है। एक तो मेरे पास यहाँ पे स्पेस था, और स्पेस को मैंने यहाँ से जब वो बैठेगा खिड़की तो ये पूरा ग्रीन एक बेल्ट यहाँ पे दिखेगा, तो ये काफ़ी खूबसूरत सा एक फील देता है जब खिड़की के बाहर में ग्रीन दिखाई देता है। तो बाकी हमने तो काफ़ी बड़ा लॉन इनका दिया ही है और इन्हें काफ़ी पसंद आया है, और इसका एक रेंडर्ड व्यू भी अब मैं डालने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन के एंड में, वो भी पिक्चर्स आप देखिएगा। हैंड्स होप करता हूँ दोस्तों ये काफ़ी अच्छा लगा है आपको, और अच्छा लगा तो ज़रूर ज़रूर प्लीज़ आप जाके इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल एंड के आइकन दबाएँ, ताकि हम जो ये खूबसूरत से डुप्लेक्सेस बना रहे हैं और इन डुप्लेक्सेस को आपके साथ शेयर कर सके, और आप भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करके इसको जल्दी से फटाफट आप इसको नंबर वन रेटिंग पे ले आए। थैंक यू सो मच, एंड दिस इज शेख शाहिद साइनिंग ऑफ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक की बाय बाय।